ये पेट्रोल गाड़ी है। तो सर ये मॉडल कौन सा है? ये है Z8 पेट्रोल ऑटोमेटिक। कॉस्ट क्या पड़ी सर आपको इसकी? तो आपने ये नंबर 260,000 रुपए का लेके दिया जी, जी, जी। ऐसा क्या? वाह, ये क्या है सर? बस इसके अंदर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है सीट की। हाँ जी, आगे फ्रंट कैमरा और सेंसर नहीं है, थ्रो वीक नहीं है, फोकस जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, स्कैटरिंग ज्यादा है, पैसेंजर साइड से रिक्वेस्ट सेंसर हटा दिए, व्हील्स जो है उन्होंने 18 की जगह 17 कर दिए, और जो पीछे रिक्वेस्ट सेंसर है वो 4 से 2 कर दिए, और मेरे को उन्होंने जो फुट स्टेप्स हैं ये इन्होंने सिल्वर में दे दिए थे। एक तो इसका जो स्टीयरिंग है वो सेंटर्ड नहीं था, तो जब से गाड़ी ली थी उसकी लेफ्ट को पुलिंग थी। अच्छा, आज कुछ ट्विस्ट है, स्कॉर्पियो है, देख के ज्यादा टेंशन मत लेना। पहली बार तो आज ब्लैक और व्हाइट वाली गाड़ी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी स्कॉर्पियो देखता हूँ या तो ब्लैक होती है, 90% तो ब्लैक ही होती है, 10% 5-6% व्हाइट होती है। ये जो कलर आपने देखा ये बहुत ही रेयर मिलता है, तो आज रेड है। और एक खास बात ये है, ये डीजल नहीं है, ये पेट्रोल गाड़ी है। तो पेट्रोल गाड़ी के ऑनर का रिव्यू मैंने काफ़ी दिनों से किया भी नहीं था, और मेरे व्यूवर जानना चाहते थे इस गाड़ी के बारे में क्या माइलेज देती है, क्योंकि पेट्रोल वाले ही बता सकते हैं ये गाड़ी क्या माइलेज देती है। तो बुलाते हैं इस गाड़ी के प्राउड ऑनर को और पूछते हैं इस VIP नंबर का क्या मतलब है, क्या माइलेज है, क्या प्राइस है, कौन सा मॉडल है फ्रेंड। तो वेलकम करते हैं इस गाड़ी के प्राउड ऑनर को। सर, कौशिक ब्लॉग पे आपका स्वागत है। थैंक यू कौशिक जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर माइक उधर है, तो पहले तो सर थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। व्यूअर्स, मेरा नाम केशव आदवा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और जैसे यूट्यूब कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग जो हैं रिसर्च करते हैं कार लेने से पहले, तो हमारी लगभग 1 साल पहले सर्च शुरू हुई थी। मैंने भी काफ़ी रिव्यूज़ और वीडियोस देखने शुरू किए, तो जब स्कॉर्पियन का कोई अगर स्कॉर्पियन के बारे में अगर कोई अगर रिसर्च करता है और वो कौशिक जी के वीडियोस तक ना पहुँचे, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं चाहे एक्सेसरीज़ हो या उनकी एडवेंचर ट्रिप्स हो या कार के बारे में हो या यूज़र फीडबैक हो, जिन लोगों ने कुछ समस्याएं फेस की हैं या जिस तरीके से कार्स का एक्सपीरियंस रहा है उनका, तो मैं भी कौशिक जी के साथ जो है तब से काफ़ी इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था उनके वीडियोस के थ्रू। अरे, और अब क्योंकि ये कार है। अच्छा, नहीं, अच्छा पापा के साथ आए हो, गुड 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 गुड, वेलकम बेटा आपका भी कौशिक ब्लॉग पे। तो सर ये मॉडल कौन सा है? ये है Z8 पेट्रोल ऑटोमेटिक, और ये जो है हमने जून एंड में बुक कराई थी। हमें महिंद्रा कंसेप्ट महिंद्रा ने एश्योर किया था कि आपको नए साल से पहले पहले दे देंगे। ओके, और उनकी कमिटमेंट पूरी रही। उन्होंने अराउंड हमें 5 दिसंबर को फ़ोन करके बता दिया कि आपकी गाड़ी आ गई है और आप डिलीवरी के लिए तैयारी कर लीजिए। 12 दिसंबर को हमने इसकी डिलीवरी ले ली। तो कॉस्ट क्या पड़ी सर आपको इसकी? कॉस्ट रफली अराउंड 25+ पड़ी थी, क्योंकि 2-3 कॉस्ट के इंक्रीमेंट आ चुके थे, और बाकी कोई फाइनेंसिंग वगैरह नहीं है तो कोई और चार्जेस तो है नहीं। एक ये हमने नंबर लिया, तो नंबर वगैरह मिलाकर जो है हमें रजिस्ट्रेशन के साथ और ये जो नंबर लिया है 25+ के आसपास पड़ी। मैं से एक एक पूछता हूँ आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने 2-3 दिन पहले रिव्यू किया था, वो थी मैनुअल Z8। जी जी, ओके, ये है ऑटोमेटिक फ्रेंड। जैसे मैंने ऑटोमेटिक का नाम लिया, वो भाई को भी आई थिंक 23 लाख के आसपास पड़ी थी। वो अलॉय इसमें 18 इंचेस लगे लगाए मिलते हैं सर जी, आपने कुछ चेंज नहीं किया? नहीं, ये मिले हैं। 18 इंच है भैया, 255/60R18 अपोलो के हैं, हमारे MRF के हैं। ये लाइट्स वगैरह सब लगी मिलती है आपको? सब कुछ, सब कुछ। तो बेसिक कॉस्ट कितनी होगी इसकी? इसकी रफली जो ऑन रोड कॉस्ट है वो अराउंड 22.5 या 12.60 के आसपास थी। ओके, मेरे को 260,000 का नंबर पड़ा, जो कि मैंने सर ये नंबर आप बताओ पहले, 22,60,000 रुपये ऑन रोड पड़ेगी एक शोरूम? ऑन रोड। अच्छा, 22,60,000 रुपये ऑन। तो बेसिक कितनी होगी इसकी Z8 ऑटोमेटिक? अराउंड 19,90,000 के आसपास थी। 20 लाख मोटा मोटा। अच्छा, 20 लाख का भैया इसका एक शोरूम है, उसके बाद सर ने पे किया रजिस्ट्रेशन, और यानी कि उन 20 लाख से कम किया तो आपने 8% इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया होगा। 22.5 के आसपास जो है हमें जो कॉस्ट मिली थी विदाउट रजिस्ट्रेशन, जब हमने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है हमने, क्योंकि इसका जो नंबर है वो हमने फैंसी पोर्टल से लिया, गवर्नमेंट के पोर्टल से, तो ऑक्शन में अराउंड ये नंबर जो है हमें 260,000 का पड़ा, तो 260,000 उसमें ऐड कर लीजिए तो लगभग 25 लाख। ये नंबर 260,000 रुपए का लेके दिया जी, जी, जी। ऐसा क्यों सर? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने जिस टाइम पे लिया
तो हमें नंबर सस्ता मिल गया। अच्छा। क्योंकि वो दिसंबर की डिलीवरी थी और उससे पहले दिवाली और धनतेरस का टाइम निकल चुका था, तो उस टाइम पे डिलीवरी ज्यादा होती है। तो नॉर्मली ये 0010 जो मैंने लास्ट टाइम पता किया था, 4 से 5 लाख का भी ये नंबर जो है लोगों ने लिया है या इससे सिमिलर नंबर। और दिसंबर में नॉर्मली लोग डिलीवरीज कम लेते हैं क्योंकि वो जनरल रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, और क्योंकि ये हमारी दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर की है, मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर की है, दिसंबर में ही रजिस्टर करा ली। अगर हम जनवरी में लेकर जाते हैं तो वो जो सीरीज है ऑक्शन वाली, वो महीने में दो बार खुलती है, एक फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ और एक लास्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ। तो अगर हम इसको जनवरी में रजिस्टर कराते तब वॉल्यूम ज़्यादा होती है डिलीवरीज की, तो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे शायद ये नंबर हमें इतना सस्ता मिलता भी नहीं। कीलेस एंट्री मिलती है सर, देख लीजिए भाई साहब, जी जी ये ऑटोमेटिक में, वाह ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, ये ये तो आपने हमारे हरियाणा के जाटों को भी छोड़ दिया पीछे। नहीं नहीं नहीं, वो तो लट है, ये तो इसका डुअल काम है, इससे बेसबॉल भी खेल सकते हैं, लेकिन खैर खेलने के पर्पज से तो नहीं रखा हुआ, तो आप इसको सेल्फ डिफेंस कह लो। ओके, या ओके, ये ओके, कह लो कि कई बार ऐसे लोग रोड पे मिल जाते हैं कि कोई ऐसी चीज हो तो एक प्रोटेक्शन के लिए चीज है अपनी। सनरूफ भी है सर इसमें? जी जी जी। ये सीट कवर लगे लगाए मिले हैं? बिल्कुल जी। ये रैप मिला लगा लगा? बिल्कुल जी। तो आपने तो गाड़ी को स्टॉक रखा, कुछ भी नहीं किया होगा? नहीं नहीं, काम तो इसमें थोड़ा बहुत कराया है, थोड़ा बहुत ही दिखा। एक तो हमने ये सबसे पहले इसके मैट्स लगवाए हैं। हाँ, मैट्स तो सर लगाने ही पड़ते हैं, जीएफएक्स के ऑप्शन ही नहीं है। और एक हमने इसके अंदर मड फ्लैप लगवाया है। हाँ। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया था जी, मैं शोरूम से उस टाइम पे ले नहीं पाया, तो अमेजोन से हमने मंगवा लिए और ये लोकल मार्केट से ही हमने इसको फिक्स करवा लिया। एक ये सेफ्टी नट लिए हमने। हाँ, ये आपका पियानो ही मिलता है? ये पियानो मिलता है, ये भी आपको हुए मिलते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट जो गाड़ी है ये टॉप एंड मॉडल ही है भैया, बस इसके अंदर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है सीट की, सीट की इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन मैन्युअली आप कर सकते हो। हाँ जी, आगे फ्रंट कैमरा और सेंसर नहीं है। जी जी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेंसर लेकिन मैंने महिंद्रा की जो जेन्युइन एक्सेसरीज है उनसे मैंने लगवा लिया था। दिखाओ दिखाओ सर कहाँ लगाया। और वो सेंसर जो है वो यहाँ पर, मैंने आपसे एक बार मैसेज पे पूछा भी था। हाँ, ये मैं है, तो ये इस पे यहाँ पर ड्रिल करते हैं, तो ये वर्किंग है? वर्किंग है बिल्कुल। हमें हमने डमी लगा रखा है सर। हाँ, आपका वो डमी है क्योंकि ये Z4 है वैसे भी। जो Z8 के अंदर आता है उसके अंदर एक्चुअली ये ग्लास के अंदर ही सेंसर होता है, लेकिन जब महिंद्रा लगाती है तो उसमें ग्लास के ऊपर ड्रिल करके और एक छोटा सा डिस्प्ले लग जाता है अंदर डैशबोर्ड पे। सर एक बात बताओ, सुना है कि लाइट का थ्रो बहुत वीक है? थ्रो वीक नहीं है, फोकस जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, स्कैटरिंग ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा स्कैटरिंग कम होती और स्ट्रेट फोकस करती तो लाइट ज़्यादा इफेक्टिव होती। तो ये सही बात, सच है ये? सच है कि लाइट का जो है स्कैटर ज़्यादा है, फोकस कम है। इसके अंदर भी आपको जो पैसेंजर है उसके लिए रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता? नहीं मिलता। इसमें ना एक बड़ी अजीब सी बात हुई हमारी कार की डिलीवरी के साथ। जी जी। और मैं बताना भी चाहूँगा आपके व्यूअर्स को। हाँ। अभी उन्होंने Z8 में जो 2024 मॉडल जिसको महिंद्रा कह रही है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। एक तो ड्राइविंग पैसेंजर साइड से रिक्वेस्ट सेंसर हटा दिए, व्हील्स जो है उन्होंने 18 की जगह 17 कर दिए, और Z8 ऑटोमेटिक में और जो पीछे Z8 ऑटोमेटिक में आप 17 दे रहे हैं? अब 17 दे रहे हैं और उस वेरिएंट का नाम उन्होंने Z8 सिलेक्ट कर दिया। जी हाँ। और जो पीछे रिक्वेस्ट सेंसर है वो 4 से 2 कर दिए, लेकिन मेरी Z8 है सिलेक्ट नहीं है, इसमें कायदे से 4 सेंसर आने चाहिए थे। हाँ हाँ, रिवर्स इसमें सेंसर। 2 दिए हैं पार्किंग सेंसर के, इसमें 2 दिए हैं, 2 दिए ना। Z8 मॉडल है ये, सिलेक्ट नहीं है ना, सिलेक्ट तो आया भी अभी सर। और इसके अंदर सेंसर जो है 4 की जगह 2 दिए हैं, और मेरे को उन्होंने जो फुट स्टेप्स है ये इन्होंने सिल्वर में दे दिए थे। अच्छा। तो डिलीवरी के टाइम पे तो मैंने नोट किया नहीं, रोड पे जैसे जब कार आपके पास कोई होती है तो ब्लैक होने चाहिए। हाँ, ब्लैक होने चाहिए। तो मैंने उनको महिंद्रा वालों को ईमेल की, महिंद्रा वालों ने ये तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि भी आप इसको कब रिप्लेस करेंगे, मैंने सिर्फ उनसे ये चीज पूछी कि भाई ये फुटस्टेप है मेरे सिल्वर आए हैं, ब्लैक होने चाहिए, सिल्वर होने चाहिए। उनका सीधा जवाब आया कि हम आपको रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने उनको जब रिप्लेसमेंट के लिए बोला तो डीलरशिप ने काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया, उनने गाड़ी मंगवाई और अपने शोरूम पे ही कंसेप्ट महिंद्रा लाजपत नगर में उनने सिल्वर की जगह ब्लैक रिप्लेस कर दिए। उनने बोला कि क्योंकि ये हमारे साथ जो है वेयर हाउस में हो सकता है कि कार्स के साथ लगकर नहीं आते, तो ये बाद में साइड में गाड़ी के अंदर, हाँ, गाड़ी के अंदर आते हैं तो हो सकता है लगाने में थोड़ा सा गूफ अप हो गया हो, बट ठीक है, दे डिड अ गुड जॉब और उन्होंने रिप्लेस कर दिए विदाउट एनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। वेरी गुड सर। गाड़ी चली कितनी आपकी? अभी लगभग 1500 किलोमीटर ही चली है। 1500 कम चलाते हैं आप?
मेरी एक्चुअली चार गाड़ियां हैं तो डिवाइड हो जाती है। ओके ओके, इसलिए तो सर्विस तो फर्स्ट हुई होगी उसमें, फर्स्ट सर्विस वॉशिंग हुई है सिर्फ। वॉशिंग हुई है, तीन चार पांच इश्यूज थे। एक तो इसका जो स्टीयरिंग है वो सेंटर्ड नहीं था, तो जब से गाड़ी ली थी उसकी लेफ्ट को पुलिंग थी। अच्छा। थोड़ा सा राइट रखने से गाड़ी स्ट्रेट जाती थी। दो या तीन बार उन्होंने कैलिब्रेट किया और वो स्टीयरिंग जो है सेंटर हो गया। इसके अंदर मुझे बाद में पता चला मोटर होती है, उसकी कैलिब्रेशन करते हैं, तो दो बार उन्होंने कैलिब्रेशन किया और नीचे एक बार उन्होंने जो अलाइनमेंट नट होता है उससे एक बार उन्होंने एडजस्टमेंट की और वो अब जो स्टीयरिंग है फिलहाल सेंटर्ड है। एक इसका जो गियर बॉक्स है वो बहुत जर्की था। मेरा लगभग 5 लाख किलोमीटर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है जिसमें से 2.5 लाख किलोमीटर मैंने टॉर्क कन्वर्टर ही चलाई है, चाहे वो होंडा सिविक हो, ऑल्टेस हो या i10 हो, मेरे पास तीनों हमेशा से और ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर ही। रीज़न था टॉर्क कन्वर्टर लेने का कि मुझे CVT बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें रबर बैंड इफेक्ट आता है, वही एक रीज़न था कि मैंने हाई क्रॉस को कंसिडर नहीं किया। तो इसका गियर जो था थर्ड से फोर्थ और थर्ड से सेकेंड डाउन शिफ्ट में और थर्ड से फोर्थ अप शिफ्ट में जर्क लेता था, जैसे हम AMT चला रहे हो। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने इसका गियर बॉक्स जो है उसको भी कैलिब्रेट किया लैपटॉप लगाकर और उन्होंने बोला कि ये इशू जो है कैलिब्रेशन से रिजॉल्व हो जाना चाहिए। डाउन शिफ्ट वाला तो वो इशू जो है काफ़ी हद तक अभी भी है, लेकिन अप शिफ्ट जो है थर्ड से फोर्थ वो स्मूथ हो गया। फील होता है आपको? फील होता है, आप एक बार चला कर देखिएगा आपको पता चलेगा। आप भी चलाना मेरी, आप पे काफ़ी एक्सपीरियंस है तो आप फील कर सकते हैं। तो टॉर्क कन्वर्टर में जर्क बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपका गियर चेंज होगा तो RPM की डिटेल आपको दिखेगी, CVT की तरह नहीं है कि लीनियर एक्सेलरेशन होगी, पर जर्क नहीं आना चाहिए। और खासकर एक बड़ा इंजन हो सकता है, मैंने पहले टर्बो नहीं चलाई टॉर्क कन्वर्टर में, तो हो सकता है टर्बो में वो आता हो जर्क, पर फिर भी बड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था उस टाइम पर, तो इसलिए मैंने महिंद्रा से डिस्कस किया। एक और चीज़ थी, दरवाज़ों में थोड़ी सी आवाज़ रहती थी चू चू की, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट किया है। Okay. एक इस साइड वाले में थी, एक बैक साइड रेयर लेफ्ट साइड वाले में थी। एक और चीज़ थी जो मैंने उनको मेंशन नहीं की थी, लेकिन सर्विस एडवाइज़र जब फोटोग्राफ ले रहा था तो उसने इसको खोला और जब उसने लगभग इस साइड से इसको थ्रो किया तो ये बंद नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ी बनेट में आपकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने एडजस्टमेंट करके वो इशू तो रिजॉल्व करा दिया, लेकिन इसके अंदर जो उसका हुक होता है जिसे कुंडा कहते हैं, उन्होंने उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग हैमरिंग की कि यहाँ पर एक हल्का सा जो है डेंट पड़ बम्प आ गया। फिर मैंने सर्विस एडवाइज़र को तो नहीं बोला, उनके सीनियर को मैंने फोटोग्राफ भेजी। मैंने कहा ये आपकी पहले की फ़ोटोग्राफ्स है जो सर्विस सेंटर पर ली गई थी और ये बात की है और ये काफ़ी विजिबल भी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको लेकर आइएगा, हम एक बार बॉडी शॉप में दिखा देंगे। ये ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है छोटा सा लेकिन खुद से नहीं लगी, सर्विस सेंटर में लगी है, तो उनको नॉलेज, उनकी नॉलेज में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सेम प्रॉब्लम अगर किसी और कार में करेंगे तो शायद ये रेड कलर है, मुझे लगता है अगर ये ब्लैक या फॉरेस्ट ग्रीन कलर होता तो ज़्यादा विजिबल होता। आपकी पहली महिंद्रा कार है? पहली महिंद्रा कार है मेरी, पहली इंडियन कार है। इससे पहले मैं टोयोटा और मारुति, ठीक है इंडियन है, लेकिन तो सर्विस कैसी लगी ये बताओ मुझे आप। सर्विस अच्छी थी जी, सर्विस अच्छी थी, कोई ऐसा ये डेंट जो से नहीं, वो देखिए वो एक ह्यूमन एरर है कि जो डेंटर था उसका वो फोकस नहीं था, उसका फोकस था मैं बनेट को ठीक करूं, लेकिन मैंने फिर भी सर्विस सेंटर में जो उनका सर्विस हेड थे उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि अगर किसी कार के अंदर ये प्रॉब्लम आए तो कम से कम इसको इस तरीके से हैमरिंग नहीं कराना, यहाँ पर जो है वो बैक साइड पर डेंट छोड़ गया। उन्होंने मुझे फिर भी बोला कि आप कार लेकर आओ, मैंने कहा इतने छोटे से डेंट के लिए मैं क्या करूँगा, पेंट वगैरह तो मैं कुछ दोबारा कराने की सोचूंगा नहीं। अब सर एक बहुत बड़ा सवाल पूछना मुझे आपसे जो हर कोई जानना चाहता है, हाँ जी, ये देती कितना है? सर मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट फुटेड चलाता हूँ और ये कितना देती है मैं इससे पहले आपको ये बताऊँगा, मैंने इससे पहले 15 साल टोयोटा करोला ऑल्टेस रखी है, मेरे पास अभी भी है, लगभग 75-76 हज़ार किलोमीटर चली है। अब मैंने उसको चंडीगढ़ नंबर कराकर एक फ्रेंड के नाम पे ट्रांसफ़र करा ली है। आई एम होपफुल कि आगे जाके रेट्रोफिट की पॉलिसी आएगी तो मैं उसको रेट्रोफिट करा पाऊंगा EV में, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट कार, वी हैव सम इमोशंस अटैच्ड विद इट। अब ये जो कार है मेरे को फिलहाल 11:30 के आसपास दे रही है, अभी भी 11.3 है, अभी देखना है मुझे। हाँ जी, मैं 3-4 दिन पहले अभी मथुरा होकर आया हूँ तो इसने मेरे को शायद उस टाइम पे 10.7 थी, वहाँ जाना आना वहाँ पर भी मेरे को काफ़ी ट्रैफिक मिला और उसके बाद भी थोड़ी लोकल में चली है, अभी फ़िलहाल 11.3 है। ये यानी कि आप कह रहे हो कि ये 11 सिटी की है? ये जब से कार ली है मैंने रीसेट नहीं की है। अच्छा जी, मैं 10.7 पे सर मुझे एक बार आइए, ट्रिप है और ट्रिप भी आपका जीरो तो नहीं हो रहा? नहीं, आपका नहीं हो रहा ना? नहीं, तो आप वो मेरे ख्याल से पेट्रोल ऑटोमेटिक में है नहीं प्रॉब्लम। सर अगर ये 11 की माइलेज दे रही है
अगर आपका, तो ये तो काफ़ी अच्छी दे रही है फिर तो। 11.3 की एवरेज दिखा रही है। यस यस यस, देख सकते हो फ्रेंड्स 11.3, यू आर राइट सर, बिल्कुल दे रही है 11। वेरी गुड सर, मैं तो सोच रहा था ये 5 या 6 की दे रही होगी। मुझे भी उम्मीद यही थी कि 7 या 8 देगी। पहले शायद 300-400 किलोमीटर में मेरे को 9 के आसपास दे रही थी, फिर एक दो थोड़ा दिल्ली के आसपास ट्रिप हुई, ज़्यादा दूर मैं इसको कहीं लेकर गया नहीं। कि सर्विस हुई है 11 दे रही है, करिए 12-13 दे देगी। मैं होपफुल हूँ कि इसको मैं 11.5-12 मिक्स ड्राइविंग कंडीशन में मेनटेन कर पाऊँगा डेली और थोड़ा बहुत आसपास। तो जनवरी फरवरी ऑलमोस्ट मार्च चल रहा है, 20 तारीख है, तो ऑलमोस्ट गाड़ी तो आपकी कम ही चलती है फिर तो आपकी। बिल्कुल। और ठीक है सर, तो डीजल डलवाया कितना, कितने कुछ आइडिया कितना डलवा दिया आपने, 2 बार 3 बार? पेट्रोल इसमें डला होगा शायद 2 बार डला होगा, थर्ड टाइम चल रहा है, तीसरी बार शायद टैंक फुल हुआ होगा, चौथी बार। अभी तो गाड़ी नहीं है, माइलेज अभी और आप खींचेंगे वो बताइए सर। गाड़ी में कोई आपको लेने के बाद चलाने में कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है सच कुछ, बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर जैसे 2-3 फीचर्स अगर इस प्राइस सेगमेंट में होते, जैसे ऑटो डिमिंग होता नहीं है, जो मेरी करोला में चीज़ें नहीं है और जो मैं मिस करता हूँ। ऑटो डिमिंग किसी में भी नहीं है इनके किसी में भी महिंद्रा की किसी, अब शायद जो XUV 700 नई वाली आई है उसमें शायद है। एक वेंटिलेटेड सीट्स, मैंने कभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो नहीं की वेंटिलेटेड सीट्स, लेकिन सुनने में आया कि इसके किसी मॉडल में नहीं है। तो अगर वेंटिलेटेड सीट्स आजकल क्योंकि काफ़ी सारी कार्स में हैं तो 25 लाख की कार डिजर्व तो करती है। सर ये कहते हैं कि जो SUV है ना, SUV वेंटिलेटर क्या करोगे तुम? नहीं वो ये सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बताओ, इसमें TPM में से? हाँ जी है। सर इसमें आपने वायर क्या लगा रखा है, ये डैश कैम है? ये डैश कैम है। अच्छा, और ये मैंने जो डैश कैम है, वायर ऐसे की वजह से मैंने इसलिए लूज की है क्योंकि ये मैंने इसके अंदर OBD2 पोर्ट वाला लगाया है। अच्छा। इसके अंदर नाइट पार्किंग मॉनिटरिंग भी है, यानी कि आपका इग्निशन जो है ऐसा नहीं है कि आपको ऑन ही रखना पड़ेगा, आप इसका जो इग्निशन है अगर ऑफ भी होगा तो कैमरा चलता रहेगा, कैमरा चलता रहेगा। बढ़िया सर। और क्योंकि ये OBD2 के साथ है, मैं अंदर से वायरिंग करा भी सकता हूँ, अभी फिलहाल इसलिए नहीं कराई क्योंकि कभी कभी मैं इसको दूसरी कार में यूज़ कर लेता हूँ। पहले वाधवा जी, आई अप्रिशिएट कि आपने देखो डैश कैम लगवाया है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल लगवाने में। मेरे ख्याल से यही एक ऐसी चीज़ है जो जस्टिफाई कर सकती है कि भाई किसकी गलती है, हमारी भी हो सकती जी, है जी, जी, जी। अगर हमारी होगी तो वो भी इसमें आएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप तो अब लगवा रहे हो, मैंने 1947 में लगवाया था, मैंने तो मेरी गाड़ी में डैश कैम पता नहीं कब का लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली एक्सेसरी अगर आज की डेट में कोई कार में लगनी चाहिए तो वो डैश कैम। वैसे कंपनी को फिट कर देना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के कुछ अभी ARAI नॉर्म्स अगर कर दें, जैसे एयर बैग्स का किया है तो ये भी फिर इंक्लूड कर देगी। अगर गवर्नमेंट की साइड से कुछ रहेगी, डंडा रहेगा मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर तो हो जाएगा। तो आप गाड़ी से भी चढ़ के दिखाना मुझे, गाड़ी चढ़ते कैसे हो, क्योंकि इस गाड़ी में चढ़ने का जो मजा है ना बाधवा जी, वो इसके 20-25 लाख रुपए वसूल कराए। तो मैं तो नॉर्मली बस ऐसे करके। अच्छा अच्छा, मैं तो ओके, गुड 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 गुड। और जब गाड़ी वैसे चलाते हो कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब इतनी ऊंची गाड़ी है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, कटिंग वटिंग में, ट्रैफिक जैम में, भीड़ में, गलियों में इजी टू ड्राइव है क्योंकि आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और हालांकि मेरे पास ना 360 डिग्री कैमरे की असिस्टेंस है, ना मेरे पास फ्रंट कैमराज की असिस्टेंस है, पर फिर भी स्टीयरिंग इज बटरी स्मूथ और मनूवर करने में बिल्कुल भी सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, कोई इतनी बहुत, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बड़ी कार है तो दिल्ली में चलाने में, ट्रैफिक में चलाने में प्रॉब्लम है, यू कैन इजीली मनूवर इट। तो 20-22 लाख रुपए देके आपको कोई टेंशन नहीं है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, मैंने एक्चुअली मेरे जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कार जो है काफ़ी अच्छा फिट हो गई। सबसे पहले हमने जब जिमनी लॉन्च नहीं हुई थी तो प्री लॉन्च में जैसी उसकी बुकिंग्स ओपन हुई थी हमने जिमनी बुक करा दी थी। अच्छा। लेकिन जब जिमनी हमने शोरूम में जाकर देखी तो थोड़ा सा साइज की वजह से लगा कि यार वर्थ नहीं है, हमें 18 लाख का टॉप वेरिएंट जो जीटा ऑटोमेटिक आता है वो मिल रहा था। फिर हमने 3-4 और गाड़ियाँ कंसिडर की, स्कोडा स्लाविया की, इनफैक्ट हमने हाई क्रॉस भी देखी। टोयोटा के बाद पहला तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट चॉइस थी वो टोयोटा की थी, हाई क्रॉस की, लेकिन मुझे ऐसे लगा नहीं कि उसके अंदर टोयोटा ने जस्टिफाई किए है इन टर्म्स ऑफ यू नो सम क्वालिटी। डोर्स थोड़े से लाइट लगे, और जैसे CVT ट्रांसमिशन है तो CVT ट्रांसमिशन ज़्यादा चलाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। अगर शॉफर ने चलाना है फिर तो गाड़ी अच्छी है क्योंकि वो जो पैसेंजर है उनके लिए तो टोयोटा से ज़्यादा कम्फर्टेबल कोई कार हो नहीं सकती। लेकिन मुझे ये कार ज़्यादा इंगेजिंग लगी खुद चलाने के लिए। फैमिली को क्या फीडबैक है सर, फैमिली का बताइए, हैप्पी फैमिली का फीडबैक बताइए सर, तो बहुत तारीफ कर रहे हैं गाड़ी की। वेरी नाइस कार, एट फर्स्ट आई वाज
started and we sat in it. Now we started liking it, but I always wanted him to go for high cross. But after seeing so many, you know, videos and everything he has shown me, पर वो भी अच्छी गाड़ी है। नहीं गाड़ी अच्छी है लेकिन लोगों के इसमें जैसे कुछ इश्यूज आए हैं लोगों के, वो इसलिए आए हैं क्योंकि इट्स अ न्यू प्रोडक्ट। हाई क्रॉस टोयोटा से जो इश्यूज सामने आ रहे हैं वो एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसके अंदर कुछ इश्यूज ऐसे हैं जैसे रैटलिंग नॉइसेस हैं, दरवाजे में किसी भाई साहब के पानी भर गया, वो पानी जो है वो दरवाजे में से निकल रहा है बारिश में से, स्कॉर्पियो में हाई क्रॉस में। अच्छा, और जो ये सब जो अपोल्जरी है वो थोड़ी सी उनको लगता है कि लाइट है, जैसे हम उसमें देखते हैं हाई राइडर में जो ये कर्टन है इसका पैनोरामिक सनरूफ का बड़ा पतला सा दिया हुआ है, उसी तरीके से ही इसकी जो अपोल्जरी है और जो सारी फिटिंग है वो थोड़ी सी रैटल करती है हाई क्रॉस में। मैंने काफ़ी रिव्यूज देखे उसके, ओके, तो वी मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट इन रिसर्चिंग आवर कार, तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक कार एक तो सीवीटी की वजह से ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है, प्लस मैं कभी कभी ऑफ रोडिंग तो नहीं करता लेकिन क्योंकि मैं कुछ एग्रीकल्चर लैंड की अब सेल परचेज में हूँ अपने लिए करता रहता हूँ, तो वहाँ के लिए हिसाब से वो गाड़ी सूटेबल नहीं है। ये कार कभी कभी मुझे खेतों से उतार कर नीचे भी लेकर जानी पड़ती है, रोड से उतार कर खेतों में, तो इसमें सोचना नहीं पड़ता। बेशक ये 4x4 नहीं है, रेयर व्हील ड्राइव है, और SUV मैं किसी कार को तभी बोलूँगा कि चाहे वो मोनोकॉक हो या लैड्रॉन फ्रेम हो, एटलीस्ट वो रेयर व्हील ड्राइव होनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई क्रॉस बीइंग अ MPV शायद मेरे लिए वो काम भी नहीं कर पाती जो मैं इस कार से अब ले पाऊंगा। तो गाड़ी लेने के बाद किक है इस गाड़ी में? इंगेजिंग है, ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छी, इंजॉय करते हैं जब गाड़ी ड्राइव करते हैं। पावर अच्छी है, अगर आप देखिए मेरे पास ऑप्शन, क्योंकि मेरे को पेट्रोल की कार ही लेनी थी इस सेगमेंट में, अगर मैं स्कॉर्पियो N की जगह अगर मैं फॉर्च्यूनर लेता तो वो 166 BHP है, ये पेट्रोल में 200 BHP है और लगभग उससे 250 किलो कम है, और ये 380 Nm टॉर्क है जबकि वो सिर्फ 245 Nm टॉर्क है जी, 300 किलो भारी और टॉर्क लगभग 125 Nm कम। तो ये अगर देखा जाए ऑन पेपर भी और वैसे भी फॉर्च्यूनर पेट्रोल से ये बहुत पावरफुल है। तो आप रेकमेंड करते हैं लोगों को हैं? हाँ, कार वैल्यू फॉर मनी है, मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू बहुत है कार में, जिस तरीके से देखा जाए कि फॉर्च्यूनर जो है ऑटोमेटिक अब 50 के आसपास आती है, अगर किसी को 22-23 लाख में Z8 वेरिएंट मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, अगर किसी को और बड़ी कार में ड्राइविंग के लिए ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए तो वो फ्रंट कैमरे के लिए Z8L ले सकते हैं, 2-3 और फीचर्स भी उसमें एडिशनल मिल जाते हैं जिससे आगे सेंसर्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक सीट्स वगैरह मिल जाएगी, शायद तक सेलफोन चार्जर भी है वायरलेस, तो आई थिंक इट्स गुड। इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है? इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है। ठीक है, और सर ऐसा कोई फीचर जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस गाड़ी में? एक तो वही है, ऑटो डिमिंग मिस करता हूँ, एक अगर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट होती सीट्स की, और मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इनको कार के साइज़ के हिसाब से अगर 360 डिग्री कैमरा नहीं तो इनको फ्रंट कैमरा या तो इनको स्टैंडर्ड देना चाहिए था, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो वो महिंद्रा को एज एक्सेसरी ऑफर करना चाहिए था, अभी इसके अंदर ना महिंद्रा इसको ऑफर कर सकती है, और आफ्टर मार्केट अगर आप करते हो तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कोई स्क्रीन के साथ उसको इंटीग्रेट कर सके। जी जी, यू आर राइट। ये ना मैं कल आपके पास आने से पहले मैं रिसर्च ही कर रहा था, तब मैंने ये चीज़ देखी कि फॉर्च्यूनर जो है वाकई में 245 Nm टॉर्क है पेट्रोल, और ये 380 है, वो 2180 किलो है, ये 1913 किलो है। अच्छा, तो अब देखिए 300 किलो ये हल्की है, 250 किलो नहीं, मैं तो समझ सर 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर ये पूरा मजा देती है, वो 250 किलो भारी है, वो 250 किलो भारी है लेकिन 245 Nm टॉर्क है, ये 380 है, 380 वो 166 BHP है। अच्छा, ये उससे 34 BHP ज्यादा है। भाई बाजी बता रहे हैं कुछ, मेरे को भी पेट्रोल का के बारे में नहीं पता था, बट अच्छा है जो हमारे व्यूअर उनको सर थोड़ा फीडबैक मिल जाएगा अगर आप ऑटोमेटिक रखते हैं तो। देखो सर ने बार बार एक वर्ड यूज़ किया टॉर्क कन्वर्टर, आप लोग AMT और IMT से कंफ्यूज मत हो जाना, ये टॉर्क कन्वर्टर है। टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन वो एक्चुअल में लैग को ख़त्म कर देता है और चलाने का मज़ा आता है। AMT और IMT मैं प्रेफर नहीं करता, वो बेसिकली मोटराइज तरीका है मैनुअल को ऑटोमेटिक करने का। जी जी, ये कन्वेंशनल ऑटोमेटिक है। यस यस यस, और काफी ट्राइड एंड काफी कम होता है इसमें। हाँ, काफी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, अब तो
टॉर्क कन्वर्टर के बाद थोड़ा टॉर्क कन्वर्टर एफिशिएंट नहीं होता फ्यूल के लिए, उसको एफिशिएंट करने के लिए अब सीवीटी आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कार लंबा रखता है, 12-15 साल रखता है, तो 2 या 3 बार अगर उसकी रनिंग है तो कम से कम क्लच का काम आएगा ही आएगा। और आज की डेट में अगर इस कार का मैनुअल का क्लच का काम अगर महिंद्रा से कराया जाए, मुझे नहीं लगता कि 15-20 हज़ार से कम में होगा। तो आप अगर 3 बार भी अगर कार की लाइफ स्पैन में क्लच का काम कराते हैं तो आप 60-70 हज़ार रुपया तो वहीं जो है बचा लेते हैं। तो ठीक है, आप ऑटोमेटिक में ज़्यादा खर्च करते हैं, पर अगर ऑटोमेटिक भी तरीके से चलाई जाए, लाइट फुटेज चलाई जाए, तो ऑटोमेटिक भी अच्छी एवरेज देती है, बड़ी देती है। सर देखिए 11.3 दे रही है। अब मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, अच्छी देती है। मेरे को थोड़ा वहम सा था कि पता नहीं माइलेज देती ही देती, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी भी अच्छी माइलेज देती है, लेकिन क्लच आपको, एक्सीलेटर जो आपको हल्के से पुश करना पड़ता है, गलत तो नहीं का? नहीं नहीं बिल्कुल, आपको मतलब कि थोड़ा सा जब आप को लगे कि सामने ट्रैफिक है तो आप एक्सीलेटर को पहले ही रिलीज कर दीजिए, कार को जो है बाय इट्स मोमेंटम जो है वहां तक पहुंचने दीजिए। चलो, बहुत ज्यादा जल्दी की जरूरत नहीं है। काफी लंबा व्लॉग हो गया, पर काफी अच्छी नॉलेजेबल रिव्यू था ये। वाधवा जी ने काफी अच्छी बातें शेयर की हैं। आई थिंक जो भाई पेट्रोल लेना चाहता है स्कॉर्पियो एन, उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा वाधवा जी। बिल्कुल, तो थैंक यू वेरी मच। अब आपकी गाड़ी होता मैं चला के भी देख लूँ, वो रिव्यू में डाल दूंगा, और वाधवा जी को बोलूंगा कि हमारा जो डीजल की है एक बार वो भी एक बार अपना चला के देख लें, और फीडबैक शेयर करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय जय भारत।